आज पूछेंगे कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस एलेक्सा से, कुछ फनी क्वेश्चंस भी रहेंगे और मैथ्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी सॉल्व कराएंगे अमेज़फिट GTS 2E में। सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग होल्ड एलेक्सा का अपडेट आ गया अमेज़फिट GTS 2E में और GTR 2E में। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल चेक आउट हाउ टू इंस्टॉल एलेक्सा अपडेट इन अमेज़फिट GTS 2E एंड हाउ एलेक्सा वर्क्स इन दिस पर्टिकुलर वॉच। सो व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, माय नेम इज रोहित। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। इफ यू गाइस हैव नॉट सीन द फुल रिव्यू ऑफ दिस वॉच, और अगर आपको देखना है इसमें सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, तो यहाँ पे आपको कार्ड मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में देखते हैं कि एलेक्सा कैसे काम करता है इसमें। ऑल राइट गाइज, तो अगर आप अमेज़फिट GTS 2E यूज कर रहे हैं तो आपको अपना ZEP एप्लीकेशन ओपन करना है जो आपने फोन में इंस्टॉल कर रखा है और जिससे आपने पेयर कर रखा है इस फोन को, और सिंपली जाकर के वहाँ पे आपको सिस्टम अपडेट वाला सेक्शन चेकआउट करना है। वहाँ पे आपको अपडेट दिख जाएगा, आप सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं। एलेक्सा का अपडेट अवेलेबल है अभी के लिए। नाउ आफ्टर अपडेटिंग योर वॉच टू द न्यू लेटेस्ट वर्जन, जो एलेक्सा वाला अपडेट है, आफ्टर दैट यू विल गेट अ Amazon Alexa icon in your ZEP application. You need to touch that particular icon and वहाँ पे आपको अपना Amazon account login करना है जो आपने बना रखा है। After logging in with your Amazon account, you are ready to go. और in case अगर आपने Amazon application already install करके रखा है तो उससे sync हो जाएगा और आपका login automatically यहाँ पे done हो जाएगा। After logging in, आपको कुछ नहीं करना, बस watch पे जाना है, left swipe करना है और Alexa आपको दिख जाएगा वहाँ पे। Now we'll check out how Alexa work in this particular watch और overall वो काम कैसे करता है। तो basically जितने भी question answers वाली चीजें होती है या फिर आप जो चीजों को trigger करा सकते हैं command दे करके, वो सारी चीजें चल जाएंगी, but अभी के लिए आप ये example देख लो। All right, so at first we'll ask some simple questions जो like सब पूछते हैं अपनी daily life में। हिंदी में work नहीं करेगा, English में ही work करेगा। Alexa, do aliens exist? So far there has been no proof that aliens life exist, but the universe is a very big place. Okay. Do you love me? Thinking. There are people I admire and things I can't do without, but I'm still trying to figure out human love. Give me a kiss. इसका answer होगा इसके पास। I like you as a friend. Oh, friend zone कर दिया Alexa ने मुझे। What is the value of pi? Value of pi बता। The approximate value of pi is 3.1459263. Goes on forever. बढ़िया यार। अब थोड़े maths के problems solve करके देखते हैं कि ये actual में कैसा solve कर लेता है maths के problems। तो maths के कुछ quadratic equations हैं मेरे पास, उनको डाल के देखते हैं इसमें, like पूछ के देखते हैं basically क्या करता है ये। Solve the equation x square plus 4x minus 5 is equals to 0. ये कर लेगा, ये easy है। 4x squared plus 40x minus 300 is equals to 0. अरे भाई क्वेश्चन ही पड़ गई, मुझे बता रहा है, सर्च करके सॉल्व तो कर दे भाई। अच्छा सॉल्व लगा के देखते हैं इस बार। सॉल्व x square plus 4x minus 5 is equals to 0. The solution for x minus 5 is equals to 0 is 5. 5 answer. तो ये सही ढूंढ दिया इसने इस बार answer. एक नंबर। तो ये सारे क्वेश्चंस आंसर्स थे जो आप कर सकते हैं एलेक्सा से इस वॉच में। प्लस अगर आपने अगर होम अप्लायंसेस या फिर टीवी, एसी या फिर फ्रिज या फिर कोई भी स्मार्ट अप्लायंसेस बल्ब वगैरह आपके घर में इंस्टॉल्ड है और वो एलेक्सा के सपोर्ट के साथ आता है, तो आप अपने फोन में जाकर के एलेक्सा में उस चीज को इंटीग्रेट कर सकते हैं। और सेम अकाउंट से अगर आप यहाँ पे लॉग इन करते हैं ZEP एप्लीकेशन में, तो वो सेम कमांड अगर आप ट्रिगर करेंगे वॉच पे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो चीज काम कर जाएगी, लाइक आपका डिवाइस ट्रिगर हो जाएगा बेसिकली। वेल एलेक्सा के रिस्पॉन्स में थोड़ा सा डिले होता है, वो डिपेंड करता है आपके फोन के इंटरनेट कनेक्शन पे और ब्लूटूथ कनेक्शन पे। तो अगर आपके फोन का ब्लूटूथ स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली वो फटाफट आपको रिस्पॉन्स करेगा, बट थोड़ा सा डिले है लिसनिंग में और थोड़ा रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगता है यहाँ पे। इस वॉच में आपको इनबिल्ट ऑफलाइन वॉइस असिस्टेंट भी देखने को मिलता है। तो अमेज़फिट के और जो वॉचेस आते हैं, अमेज़फिट का बिप यू और बिप यू प्रो जो है और GTS 2 मिनी भी जो है, उसमें आपको एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट देखने को मिलता है। बट एलेक्सा क्या होता है, आपको स्वाइप करना पड़ता है फिर आप उसको एक्सेस करोगे, वो असिस्टेंट होता है। बट जो ऑफलाइन वॉइस असिस्टेंट है ना, वो काफी ज्यादा यूजफुल होता है। आप किसी भी स्क्रीन से आप उसको ट्रिगर कर सकते हैं, सपोज ओपन हार्ट रेट, टर्न ऑन DND, टर्न ऑफ DND, ओपन SPO2 और जितने भी तरह के एप्लीकेशंस इसमें हैं, लाइक वर्कआउट वाले, फिर टेम्परेचर वाले, जितने भी चीजें हैं, जितने भी मोड्स हैं, आप सारे अपने वॉइस के कमांड से ट्रिगर कर सकते हैं और इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग है और काफी ज्यादा यूजफुल होता है ऑफलाइन वॉइस असिस्टेंट। तो ये दोनों मिल करके ना काफी अच्छा ब्लेंड करते हैं इसमें और ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको काफी मस्त प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। सो गाइस, ये था अपडेट एलेक्सा का इस पर्टिकुलर वॉच में, जो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए तो मैंने आपे बता दिए। अगर आपके पास वॉच है तो आप डेफिनेटली अपडेट कर सकते हैं जाकर के। और हाँ, आपके फोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, प्लस ब्लूटूथ भी होना चाहिए, 24 आवर्स कनेक्टेड रहेगा तभी वो वर्क करेगा, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिए और ब्लूटूथ का कनेक्शन भी चाहिए। सो गाइज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो गाइज। होप यू गाइज एंजॉयड दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू एंजॉयड इट, प्लीज गिव इट अ ह्यूज थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर कूल वीडियोज लाइक दिस। आई विल कैच यू गाइज लेटर ऑन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। टिल देन, अ पीस आउट गाइज एंड बाय।
Thank you.